प्रेस वार्ता। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जावेद आब्दी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा और भारतीय जनता पार्टी दीवानी और पगले लोगों की पार्टी बताया। अमरोहा नगर में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता अकबर हुसैन के आवास पर हुई प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जावेद आब्दी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आज हनुमान जी की जात बता रहे हैं, हनुमान जी का धर्म बताने में लगे पड़े हैं। जो 2014 का वादा किया था वह धर्म और जात बताने के लिए नहीं किया गया था। मैं समझता हूं हनुमान जी की धर्म और जात बताने वाले लोग असल मुद्दों से लोगों को भड़काना चाहते हैं और मेरी निगाह में यह भारतीय जनता पार्टी पगले और दीवाने लोगों की पार्टी है। जनता इंतजार कर रही है इन्हें धूल चटाने के लिए। जितनी भी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, हमारा गठबंधन उसे जीतेगा और मैं समझता हूं आजाद हिंदुस्तान में इतना बड़ा रिकॉर्ड कभी ना टूटे ना कभी टूटेगा। जब पत्रकारों से उन्हें अपने गठबंधन ने कांग्रेस को शामिल ना करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारा गठबंधन मध्य प्रदेश में एक MLA जीत कर आया था और उसे MLA को हमारे अध्यक्ष जी ने मंत्री बनाने के लिए कहा था। कांग्रेसियों ने भी वादा किया था लेकिन कमलनाथ जी ने क्या भी दिया था, पर उन्होंने हमारे एक विधायक को मंत्री नहीं बनाया। जब गठबंधन होता है तो दिल खोलकर होता है, इस तरह नहीं होता। नोएडा के सेक्टर 58 में नमाज पर पाबंदी मामले में उन्होंने कहा कि वहां मस्जिद नहीं है इसलिए वहां पार्क में नमाज होती है और मैं कहता हूं कि आज़ाद हिंदुस्तान में सबके लिए आज़ादी लिखी हुई है। अगर आपको पाबंदी लगानी है तो RSS की 2 शाखाएँ हर पार्क में और हर 4 में लगती हैं, उन पर पाबंदी लगानी चाहिए। और नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता लेकिन ये लोग हथियार लेकर जाते हैं, इससे छोटे बच्चे डरते हैं। RSS की शाखाओं में सुरक्षित किरण बनने से पहले प्रैक्टिस होती है तो उनको चाहिए पहले उन पर पाबंदी हो फिर नमाज पर पाबंदी लगाई जाए। नमाज फिर भी आस्था का विषय है, इसमें भगवान को सजदा होता है लेकिन शाखाएँ होती हैं वह खाली हवा में डंडा चलाती हैं। अगर वह लोग बहादुर हैं तो पाकिस्तान की सरहद पर जाए, आगे समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पहनने वालों को आगे करें और खुद ही रहें। और मैं समझता हूं कि मुझे यकीन है जब हम पाकिस्तान पर लाल टोपी वाला हमला करेंगे तो सुबह का नाश्ता लाहौर में होगा, रात का खाना कराची में होगा और यह खाकर वाले भागते नजर आएंगे, आलम नवाज शरीफ के बांध के बिरयानी खाएंगे। जावेद आब्दी ने कहा कि SSP दोनों सरकार को पिट्ठू होते हैं और चमचे होते हैं, इनके अंदर हिम्मत है तो RSS के लोगों को भी इसी तरह लेटर लिखें। ना याद आता हिंदुस्तान यह कहो कि मुसलमानों के साथ अलग होगा, हिंदुओं के साथ अलग होगा, आधा हिंदुस्तान की संविधान में हिंदुस्तान मुसलमान सारे बराबर हैं। RSS की शाखाओं में पाबंदी पहले लगे। जावेद आब्दी ने कहा कि हम कार्रवाई की मांग करेंगे, हम लोग उनके खिलाफ अदालत में जाएंगे, जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी उसकी मांग करेंगे।